मानने की ठान ली है क्या? अंडे वाले रूल्स भूल गई? एक दिन में 2 अंडे और यहाँ पे तो 1 अंडे का एक्स्ट्रा छिलका दिख रहा है। ला मेरे एक्स्ट्रा पैसे। ये ब्रेकफास्ट मैंने आपके लिए बनाया है। मैंने तो कब का खा लिया है। ब्रेकफास्ट मेरे लिए? वो कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मुझे बहुत बुरा लगा। आई एम रियली सॉरी। वो क्या था ना, नौकरी का पहला दिन था और बहुत काम था, इसलिए आने में जरा सी देर हो गई। आप ये सब छोड़िए ना, चलिए ब्रेकफास्ट खाते हैं, चलिए। वैसे आप जानती है आज तो मेरे ऑफिस में और किचकिच होने वाली है। मेरा मतलब है हमारे ना एक खड़ूस क्लाइंट आने वाले, लेकिन वो ना हमारे सबसे बड़े क्लाइंट है और वो इंडिया आने वाले और मुझे उन्हें पिक करने जाना है। समझ में नहीं आ रहा मैं उन्हें कैसे पिक करने जाऊंगी थी, मुझे तो ओ नैना तू ठीक है ना? ये फाड़। हाँ वो मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो अगर टाइम से नहीं सोती हूँ ना तो गड़बड़ हो जाती है। वो अंडे के छिलके में फेंकना ही भूल गई। उल्टी आना शुरू हो गई है, अंडे की इस मरम्मत से बर्दाश्त नहीं होती। जी घबराने लगा है और कुछ ही दिनों में और भी चीजें सामने आ जाएगी। तक मैं ये बात लोगों से छुपाऊंगी? ये बात तो ऐसी है जो मैं छुपाना चाहूं तो भी नहीं छुपा पाऊंगी। धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा और जब दिल्लू दी को पता चलेगा वो तो मुझे घर के बाहर निकाल देंगे, कहेंगे कि मैंने उनसे झूठ क्यों कहा और ऑफिस में मेरा झूठ पकड़ा गया तो मुझे वहां से भी फेंक देंगे। मैं कहां जाऊंगी? देख के तुमको याद हमें ये आता है, साथ तुम्हारे अपना दर्द का मुझे संभाले, क्या कोई मुझे कहे कि मैं हूं ना? हम अकेली लड़कियों की यही प्रॉब्लम होती है कि हम कमजोर नहीं पड़ सकते। जो जिम्मेदारी अकेले उठाई है उसे निभानी होगी। कोई नहीं आएगा मेरी मदद के लिए, कोई नहीं आएगा मुझे संभालने, मुझे सहारा देने। मुझे खुद का सहारा बनना होगा और झूठ और उस झूठ को निभाना होगा। मॉर्निंग पांडे जी। मॉर्निंग तो है, गुड या बैड ये मालूम नहीं। ऐसा क्या हुआ पांडे जी? अरे हमारे जो बॉस है ना वो इंडिया पहुंच गए हैं और आते ही टंटा हो गया है। अरे उनका सामान किसी ने चुरा लिया। और तुम ना एयरपोर्ट जाओ और उन्हें पिक कर लो। और हाँ, उनके सामान को ढूंढने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी ही है, ठीक है? मैं
ठीक है, मैं अभी नंबर SMS कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ नैना मैडम, और एक बात सुनो, अरे जब हम उस खड़ूस बॉस को लेने जाते हैं ना, तो हमारी शक्ल देखते ही वो भड़क जाता है। अब आप ठहरी लेडीज हैं, तो आप जाइएगा ना तो उनके लिए फूल ले जाइएगा, शायद उनका मूड ठीक हो, ऑफिस में आकर भी ठीक रहे और हम बच जाए। आपको क्या लगता है, एक बुके से उनका मूड ठीक हो जाएगा? एनीवे मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। और हाँ एक बात और, 50 रुपए से ज्यादा के फूल मत लीजिएगा, नहीं तो आपकी सैलरी में से काट लेंगे। हाँ क्या 50 रुपए? पर सर 50 रुपए में फूल कहाँ से लाऊंगी मैं? अरे मैडम, यूज योर ब्रेन, यूज योर क्रिएटिविटी, डू इट। यस ठीक है, कहाँ फंस गई मैं, 50 रुपए के फूल कहाँ मिलेंगे? रख सकता है हाथ है, कहां फंस गई हूं मैं? ये मॉर्निंग सिकनेस ने तो मुझे परेशान कर दिया है। अब कि क्लाइंट को ढूंढो या कोई बाथरूम। सॉरी, शायद यहीं से निकलेंगे, यहीं वेट करती हूँ। कंट्रोल नहीं हो रहा मुझसे, बाथरूम ढूंढना पड़ेगा। बाथरूम, थैंक यू, एक्सक्यूज मी। अरे ये तो बंद है। ओए मैडम जल्दी बाहर आ जा, ये उल्टियां। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस पांडे को कहा था किसी को लेने के लिए मुझे भेज देना, लेकिन वो भी नहीं कर पाया। अजीब किस्म का बेवकूफ आदमी है। उस खड़ूस क्लाइंट को कहाँ ढूंढूं मैं? पांडे जी तो मेरी पैंट बचा देंगे। कहाँ हो आप सर? भगवान की कृपा से मेरे सामने आ जाओ। This is impossible. यहाँ नेटवर्क क्यों नहीं मिल रहा? उसको फोन कैसे करूंगा? और ये बैग कहाँ लेके घूमता फिरूंगा? इस बैग को कहाँ रखूं? नेटवर्क भी नहीं मिल रहा, उस पांडे को भी फोन करना है।
बैग क्यों छिपा रहा है? इसका मतलब इसकी बैग में कुछ है। ये आदमी तो फोटो भी खींच रहा है। बैग भी छिपा रहा है। बैग में जरूर कुछ होगा। अभी देखना पड़ेगा। ओए, ये तो अपनी बैग छोड़ के जा रहा है। इसका मतलब इसकी बैग में, हाय रब्बा, इसकी बैग में बॉम्ब है। टेररिस्ट कहेगा? मैं अपने देश में टेररिस्ट का हमला नहीं होने दूंगी। सब जगह लिखा है, अगर किसी भी आदमी पे शक हो तो जाकर पुलिस को बताओ। मैं पुलिस को जाकर बताऊंगी। हे रब्बा, ये आतंकवादी कहेगा? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।